क्या आपने बुढ़ी का बाल खाया है? अरे यार, ये कैसी सिली बात कर रही हूँ मैं। ऑफ कोर्स आप लोग बुढ़ी का बाल खाया होगा, लेकिन आपने घर पे बना के खाया है बुढ़ी के बाल को? नहीं बना के खाया? तो आज हम घर पे बनाएंगे। कॉटन कैंडी फ्लॉस है ये मशीन, मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी है, 1500 में मिली है ये मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसे बनता है घर पे ही कैंडी फ्लॉस देख लेंगे। देखिए, इस तरह की एक मशीन आती है, उसके अंदर एक 10 उड़न की लकड़ियाँ आते हैं और एक कुछ अटैचमेंट्स हैं, और एक अंदर का रिंग, ऊपर रिंग और एक रिंग, और उसके साथ स्पून भी आता है। तो चलिए कैंडी फ्लॉस बना के देखेंगे कैसे बनती है। अब हम कैंडी फ्लॉस की मशीन को ऑन कर लेंगे। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो अंदर के कॉइल्स जलने लगते हैं। आप देख सकते हैं अंदर लाल सा दिख रहा है। 1-2 मिनट के लिए इसे गर्म कर लेना चाहिए। इसके साथ एक मैनुअल आई है, उसमें बताया है। जैसे ही 2 मिनट हो जाते हैं तो हम मशीन को ऑफ़ कर लेंगे। मैंने ऑफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर एक वही स्पून से एक स्पून शक्कर डालूंगी, फिर से ऑन कर लूंगी और एक थोड़े सेकेंड्स के लिए रुकेंगे और अपने आप ही जालीदार बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से उसी लकड़ी से ऐसे एक बार लेके राउंड करते हुए जाइए, राउंड करिए करिए ऐसे ही करते हुए जाइए, लेकिन नीचे टच नहीं होना चाहिए। नीचे अगर टच होगा तो वो गर्म से दब जाएंगे। ये कितने अच्छे से जालीदार बन रहा है, जैसे स्पाइडरमैन से आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। अरे यहाँ थोड़ा सा नीचे लग गया, तो थोड़ा देखिए चपटा हो गया वहाँ पे। कोई बात नहीं, ऐसे ही राउंड कर लेंगे कर लेंगे। मैंने 1 ही स्पून शक्कर डाली है, उससे ही बन रहा है। जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप बना सकते हैं घर पे ही आराम से, आपके आँखों के सामने इतना अच्छा सा बुढ़ी का बाल बन के रेडी हो चुका है। और नेक्स्ट बार आपको बनाना है तो इस साइड की पूरी शक्कर को निकाल लीजिए और बनाइए, अच्छे से जालीदार आएगा। फिर शक्कर निकाल के आप इसी में ही डाल सकते हैं, डाल के फिर से बनाइए। देखिए, 1 स्पून में मैंने 2 कैंडी फ्लॉस रेडी कर लिया है। अच्छे बने हैं, बहुत ही फ्लफी बने हैं। तो आप भी कैंडी फ्लॉस मशीन खरीदिए और कैंडी फ्लॉस बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।